हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। देखो यार, वर्चुअलाइजेशन की चर्चा शुरू हो चुकी है और उसमें भैया अपन ने वर्चुअल मशीन्स क्या होता है वो भी जान चुके हैं, लेकिन अगर इसे नहीं समझा तो फिर क्या ही समझा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, सब कुछ अधूरा है इसके बिना, जिसका नाम है हाइपरवाइजर। आखिरकार ये क्या बवाल है भैया, समझेंगे। और उसके बाद एक और सवाल हमारा इंतजार कर रहा है, व्हाई वी नीड दिस हाइपरवाइजर, इसका भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो भैया देखो, हाइपरवाइजर वैसे तो इसके नाम से अपने को कुछ ज्यादा समझ भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको एक बेसिक डेफिनेशन हाइपरवाइजर की बता देता हूं कि आखिरकार ये है क्या। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप ऐसे देख सकते हो, एज अ सॉफ्टवेयर है ये, या फिर इसको एज अ फर्मवेयर आप देख सकते हो, जो क्या कर रहा है भैया, सिंपल सी बात है, क्रिएट, रन, मैनेज, मॉनिटर योर वर्चुअल मशीन। सिंपल सा फंडा है कि वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करना, उसको रन करना, उसको मॉनिटर मैनेज करना, ये सारा का सारा तामझाम जो है वर्चुअल मशीन से जुड़ा हुआ, ये कौन हैंडल करता है, ये आपका ये रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर जिसका नाम है हाइपरवाइजर। और ऐसा नहीं कि भैया यही एक नाम से वो बुलाया जाता है, उसको दूसरे नाम से बड़े प्यार से बुलाया जाता है, एज VMM, दैट इज वर्चुअल मशीन मॉनिटर। नाम में अभी यहाँ पे उसका काम आपको दिख गया होगा, मॉनिटर करने की कोशिश वो कर रहा है। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर, वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया क्या जरूरत है। व्हाट तो क्लियर हो गया, ये है क्या। वाई के ऊपर आते हैं कि ये क्या है भैया, इसकी क्या जरूरत है। सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास मान लीजिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, पावर है, शक्ति है, पता नहीं क्या क्या है भैया आपके पास, लेकिन अगर आप उसको उसके फुल पोटेंशियल तक यूज ही नहीं कर रहे हो, यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो निकलेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है ना, जैसे कि मान लीजिए किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास दो रिसोर्सेज हैं, एक तो भैया आपके पास वो जो किताबें हैं, बुक्स है, मान लीजिए 20 किताबें आपके पास है, और सबसे बड़ा रिसोर्स जो आपके पास है वो है आपका टाइम। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों आप अपने जो दिन के 24 घंटे उसमें से सिर्फ 2 घंटे वो बुक्स को पढ़ने के लिए आप लगा रहे हैं बस मान लीजिए, तो एग्जाम कैसा जाएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। ऑब्वियसली बात है खराब ही आएगा, इतना कुछ अच्छा खास उसमें रिजल्ट में आपको दिखने वाला नहीं। क्यों? बिकॉज आपके पास जो रिसोर्सेस थे आपने उनको ऑप्टिमम वे में यूज नहीं किया, उसके फुल पोटेंशियल तक आप गए नहीं, रिजल्ट कैसे मिलेगा, फिर रिजल्ट मिलेगा नहीं। अगर आप फुल पोटेंशियल के साथ जितना भी आप पढ़ सकते हैं, जितने भी आप इन टाइम और वो जो बुक्स जो रिसोर्स रूपी आपके सामने हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर आप कर सकते हैं, तो आपको बेस्ट रिजल्ट वहां पे देखने को मिल जाता, वो वेस्ट नहीं जाता। बराबर है कि नहीं? अब तो वो वेस्ट हो रहा था, शायद सोशल मीडिया पे आप लगे पड़े थे, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। बस उसी तरीके से, सेम तरीके से आपका जो सिस्टम है, आपका जो हार्डवेयर है, उसमें भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, उसको भी बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन होता नहीं है वो यूटिलाइज, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन आपने फंडा वहां मान लीजिए नहीं लगाया, तो इतना बढ़िया तरीके से वो यूटिलाइज नहीं होता। लेकिन फिर आता है इनटू द पिक्चर हाइपरवाइजर, और इस हाइपरवाइजर की मदद से आप जो है अपने पूरे सिस्टम हार्डवेयर उसका बढ़िया से बढ़िया जो यूटिलाइजेशन है, टॉप नॉच यूटिलाइजेशन जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो इसीलिए भैया ये जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और भैया ये जो हाइपरवाइजर है उसके टाइप्स को समझते हैं। वैसे तो ज्यादा नहीं, 2 ही टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं और वो भी बड़े ही सिंपल से हैं यार। देखो, टाइप 1 ये पहला टाइप और टाइप 2 ये दूसरा टाइप। बराबर है, अब इनके कुछ नाम भी हैं, जैसे कि इस वाले टाइप को, इस वाले जो टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है उसको भैया बेयर मेटल हाइपरवाइजर बोला जाता है, और जो टाइप 2 होता है उसे कहा जाता है होस्टेड हाइपरवाइजर। अब इन इसको बेयर मेटल क्यों बोला जाता है, इसको होस्टेड हाइपरवाइजर क्यों बोला जाता है, टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, ये सब चीजें जो है आगे आने वाले वीडियोस में अपन डिटेल में, बड़े डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और उसके जरिए हाइपरवाइजर को और बेटर वे में अपन अंडरस्टैंड करने वाले हैं। विजुअली मैं आपको टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। हाल फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के जरिए अगर आपको हाइपरवाइजर की एक आइडिया लग गई होगी, समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।